जिसमें आपका सर्किट फिल्टर फ्रिक्वेंसी फिल्टर सर्किट जो कैसे काम करता है वो भी बताया सर ने, जिस चीज़ के बारे में बहुत कम इंस्टीट्यूट में बताया जाता है या यूट्यूब में, तो हमने सर्च भी किया था तो उस चीज़ के बारे में कहीं बताया नहीं जाता। कई बार हम लोगों ने ऐसा चेक किया है कि नेटवर्क सेक्शन में ग्राउंड से बीप आता है, लेकिन यहाँ नेटवर्क सेक्शन में अगर बीप आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन शॉर्ट है या आपकी लाइन सही है, उसको एक ट्रैक चेक करना है। ऐसा बहुत सारे चीज़ें बताई हैं जो बोर्नियो में भी बहुत सारी चीज़ की गलती भी उसमें पकड़ी गई। हमने जब डायग्राम जब चेक किया तो इस तरह से बहुत सारा डीपली नॉलेज दिया, एंडलेस नॉलेज दिया देव सर ने हम सर के साथ। इन्होंने हमें पूरा डीपली नॉलेज दिया कि हमें नीचे का भी अगर सब पीसी भी खोलना है तो कब खोलना है, ये भी सर ने बता दिया कि डायरेक्ट हम कहाँ से काम शुरू करें फोन का वो सेटिंग देख के, कि वो हमारा में क्या नेटवर्क रीड कर रहे हैं नहीं, वो डीपली में बताया है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फ़ोन की सेटिंग्स देख के कॉन्फ़िगरेशन देख के बता सकता कि हमें काम किस आईसी पे करना है। तो हमें ये बहुत ही कठिन लगता था नेटवर्क सेक्शन, हाँ बहुत ही एकदम कठिन लगता था, और जैसे ही देव सर के साथ क्लास हुई हाँ। एकदम से अब सरल लगने लगा। अच्छा हाँ। क्या कहेंगे आपको, मतलब कि नेटवर्क सेक्शन आपका हल्का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, एकदम हलवा हो गया। चलिए, वो हमें लाइव बताया गया और हमारे सामने लाइव मोबाइल भी बनाया गया। तो आप खाली एक इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन दे रखा है बोर्नियो में, हाँ। आप उसके सारे नेटवर्क सेक्शन बना सकते हो? नहीं बना सकते, उन्होंने बहुत गलती की है। गलती दिख रही है? हाँ दिखाई गई हमने। चलिए ठीक है, हमारे सामने डाटा सीट भी बनेगी। अच्छा, बहुतों से सुनता था कि नेटवर्क ऐसा है वैसा है ये है वो है, लेकिन सर ने जैसे समझाया एक एक पॉइंट, हाँ मुझे नहीं लगता उससे बेहतर और कोई समझा सकता है। आपने अभी प्रैक्टिकल किया? अभी प्रैक्टिकल किया, अभी मैंने नेटवर्क आईसी उठाया लगाया आ रहा है। कोई सी आईसी छोड़ी क्या? कोई नहीं सर, सारे जितने भी नेटवर्क के आईसी हो कंपोनेंट्स हो सब लगाए, सब डेटा शीट पे काम किया आप? जी सर, एक एक बताया ना सर ने, एक एक चीज़ बताया हमें कि कैसे डेटा शीट बनाना है, क्या बनाना है और कैसे बनाना है कि कभी आप भूले नहीं, वो भी बताया। प्रैक्टिकल क्लास में है तो आपने प्रैक्टिकल क्लास में कौन कौन सी आईसी उठाई और आपने उसके जीआर बूट करे और उसको फिक्स किया? जी 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 एकदम, मतलब हम लोगों ने एंटीना स्विच से स्टार्ट किया ट्रेसिंग करना, उसके बाद अपना ये पीएफओ आईसी ट्रेस किया, 2G पीएफओ आईसी, 4G पीएफओ आईसी, उसका सीपी आईसी तक भी हम लोगों ने ट्रैक किया, पावर आईसी में कौन सा ट्रैक कहाँ तक आता है, उसका जीआर नोट किया हम लोगों ने। टावर कहाँ जान्छ, फ्रिक्वेन्सी कस्तो के हुन्छ, त्यसपछि भोल्टेज कति कति हुन्छ, कुन कुन हाम्रो कुन कम्पोनेन्टमा कति भोल्टेज आउँछ, केले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी पास गर्छ, केले फ्रिक्वेन्सी ग्राउन्ड गर्छ, केले चाहिँ अगाडि बढाउँछ भनेर सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी दिनुभएको थियो। म्हणजे नेटवर्क सेक्सनला जेवढे भी आईसी जुळलेले आहेत, जेवढे भी सेक्शन जॉईन आहेत, त्या सर्वांचे आम्हाला लाईव्ह ट्रेसिंग करून दाखवलेलं आहे, समजवलेलं आहे डायग्रामनुसार, आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही प्रॅक्टिकल क्लासमध्ये आलो। थेअरीमधून डीपली नॉलेज घेऊन आम्ही प्रॅक्टिकलमध्ये ते नेटवर्क सेक्शनची जेवढी भी आयसी आहेत तेवढा आम्ही उचलून त्यांना लाईव्ह डायग्नॉस केला, त्याच्यानंतर पॅडलाईन चेक केली, डायग्राम बनवला। प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल में उसको निकाल करके उसका जो सर्व है आईसी निकाली आपने? कोई जी पी एफ कोई सी आईसी बची है आपके? नो सर, कोई सी भी नहीं बची, सब आईसी उठाई आपने? जी सर। सब आईसी का जीआर लिया? यस। सब आईसी का पेडलाइन चेक करा सर? और सब आईसी को अभी डबल से लगाया? यस। एक एक चीज का, एक एक आईसी का वोल्टेज का मेजरमेंट है आपको? यस सर पूरा। चलिए, कैसा लग रहा है एंडलेस काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। एशिया टेलीकॉम मतलब फुल पैसा वसूल। आज हमारे देव सर के साथ नेटवर्क क्लास था और बढ़िया डीपली नॉलेज से सर ने समझाया। पी एफ आई सी, 2G आई सी, 3G आई सी, 4G आई सी का हमको नॉलेज भी नहीं था, कहाँ आती है कहाँ नहीं आती, और सर ने एंड तक समझा दिया और शाम पाँच कर हमने प्रैक्टिस भी किया, आईसी को निकाल कर ट्रेसिंग भी किया। मैं हूँ गुजरात से, तो हमको पहले लगता था कि एकदम कठिन है, तो उसके हिसाब से एकदम फर्स्ट क्लास नॉर्मल बना दिया है। नेटवर्क सेक्शन का आपको टुकड़े करके बताया कि नहीं बताया? यस सर बताया। आपको तीनों आईसी चारों आईसी पे काम करना है, इस तरीके से इजी कराया? यस यस। खाली जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज की रीडिंग है उसको देख के बता सकते हो कि आईसी? हाँ बता सकते हैं, बता सकते हैं। बात करो फ्रीक्वेंसी की, बात करो वोल्टेज की, बात करो जी आर की, सब आपको एंडलेस मिला कि नहीं मिला? यस एकदम फर्स्ट क्लास एंडलेस मिला। मैंने तो सोचा था कि बहुत टफ होगा, ये सर ने जैसे समझाया एकदम अलग ही, सर का समझाना तो अलग। सारे सॉल्यूशन आपके हाथ में? एकदम हाथ में, सारी चीज़ें आपके हाथ में? एकदम से हाथ में। अभी कोई नेटवर्क का फॉल्ट आता तो आप इंटरेस्ट लेके बना सकते? इंटरेस्ट लेके बना सकता हूँ उसको, तो लेके अलग से लेके बैठूंगा,
ये एक इंटरेस्ट का पार्ट होता था। जैसे कि हम जब पढ़ते थे हम लोग मैथ हो जाता अलग, मतलब उसको जो टफ होता था उसको हम लोग टाइम देते थे, लेकिन जब हो जाता था तो सोल्यूशन तब बहुत अच्छा लगता था। अभी भी इसको लेके अभी ऐसा हो गया, सर ने ऐसा समझा है कि अब जब बैठूंगा काम पर तो अलग ही लगेगा, अलग लेवल का होगा। देखो कुछ भी मालूम नहीं था नेटवर्क कैसे, मतलब कभी नो सिम देखाता है, कभी नो सिम इंसर्ट ऐसे ऐसे देखाता है, क्या प्रॉब्लम है अभी पूरा मालूम हो गया। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? और देव सर का एक तो पढ़ाने का कोई भी सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन तो बहुत दूर की बात है, कोई भी सेक्शन है वो दे एकदम डीप, एकदम अंदर तक मतलब डीप नॉलेज देते हैं। आज जो नेटवर्क सेक्शन दिया जो हमको, तो पहले तो नेटवर्क सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, क्या होता है, क्या कैसा, उसमें कितना GR जाता, कितना वोल्टेज आता, कौन सा सेक्शन में क्या होता है, मतलब तो आज सर ने मतलब एकदम डीपली बता दिया कौन सा। बात करूँ मैं एंटीना टिप्स की जहाँ से शुरुआत जी होती सर है। जी। और बात करूँ एंड में जहाँ CPU में जाता है जी, सारा का सारा माइंड में घोल दिया सर, मतलब वही सर। प्रैक्टिकल क्लास में है तो आपने प्रैक्टिकल क्लास में कौन कौन सी IC उठाई और आपने उसके GR नोट करे और उसको फिक्स किया? जी 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 एकदम, मतलब हम लोगों ने एंटीना स्विच से स्टार्ट किया ट्रेसिंग करना, उसके बाद अपना ये PFO IC ट्रेस किया, 2G PFO IC, 4G PFO IC, उसका CPU IC तक भी हम लोगों ने ट्रैक किया, Power IC में कौन सा ट्रैक कहाँ तक आता है, उसका GR नोट किया हम लोगों ने खुद अपना। उसी पैड पे जा रही है, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारे कैपेसिटर निकाले, सारे रजिस्टर कॉइल, फिर भी मैं डायरेक्ट IC से ट्रैक उसको उठा सकता हूँ सर। तो इतना नॉलेज इतने कम समय में कैसे? सब देव सर की कृपा। अभी आपने जब इसकी यहाँ पे क्लास में आए तो आपने क्या किया? अभी से डायग्नोस के जो देव सर ने पढ़ाया उसका लाइव ट्रेसिंग किया सर, सारा WTR निकाल के। कौन सी IC पे काम किया अभी आपने? अभी लाइव निकाल के अभी लाइव अभी WTR निकाला, 4G PFO निकाला, 2G PFO निकाला, सारा का ट्रैक देखा, कौन कौन से कहाँ पे जा रहा है, वो फ्रिक्वेंसी कहाँ पे जा रहा है, वोल्टेज कहाँ पे जा रहा है, सारा मैंने चेक किया, सारा ट्रेस किया, सारा ट्रेस वापस लगा दिया, वापस लगा आपको सेम GR रीडिंग सारा मिल गया सर।
इसके ऊपर कुछ है क्या? इसके ऊपर तो कुछ नहीं सर, जब इंडलेस सीपीयू तक कि हमने पहुंच गया, नेटवर्क का फ्रिक्वेंसी सीपीयू लाइन से ये तक क्लियर हो गया, तो अब क्या सर, इंडलेस सब तो कुछ है ही नहीं सर। मैंने तो सोचा था कि बोर्ड टॉप होगा, ये सर ने जैसे समझाया, बस तुम अलग ही सर, सर का समझाना तो अलग। सारे सॉल्यूशन आपके हाथ में? एकदम हाथ में, सारी चीज़ें आपके हाथ में? एकदम से हाथ में। अभी कोई नेटवर्क का फॉल्ट आता तो आप इंटरेस्ट लेके बना सकते हो? लेके बना सकता हूँ उसको, तो लेकर अलग से लेके बैठूंगा, ये एक इंटरेस्ट का पार्ट होता है। जैसे कि हम जब पढ़ते थे हम लोग मैथ होता था अलग, मतलब उसको जो टाप होता था उसको हम लोग टाइम देते थे, लेकिन जब हो जाता था तो सोल्यूशन तब और अच्छा लगता था। अभी भी इसको लेके अभी ऐसा हो गया सर ने ऐसा समझा है कि अब जब बैठूंगा काम पर तो अलग ही लगेगा, अलग अलग लेवल का होगा। मैं आसाम से प्रीतम, आज हम लोगों का सुबह का क्लास देव सर के साथ था जो नेटवर्क सेक्शन का। जो हम लोगों का प्रॉब्लम आता था ये कि फेक कॉल कैसे होता है, उसके बाद नो सर्विस या तो नो इमरजेंसी कॉल, वो सब के बारे में बताया गया कि कौन सा से किस से प्रॉब्लम होगा, किस आईसी से प्रॉब्लम होने से वो आपका वो प्रॉब्लम आएगा, फेक कॉल आएगा या तो नेटवर्क आ जाएगा या तो 2G या 4G जो भी है। हम लोगों का 2G से स्टार्ट करके 4G तक जो भी था वो बताया। नो सिम डायरेक्ट का प्रॉब्लम आता था तो नहीं समझ पाए, लेकिन अब ऐसा आज की क्लास इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि इस टाइप का जो प्रॉब्लम आएगा तो बहुत कम समय में उसका सोल्यूशन करके बस समाधान हो जी। उसमें हम लोगों को एक नेटवर्क सेक्शन में जितना भी कंपोनेंट आईसी लगा हुआ होता है उसका इनलेस सोल्यूशन मिला और डायरेक्ट सोल्यूशन भी मिला। जैसे हम लोग यहाँ से जाके घर पे दुकान में बैठेंगे तो कौन सी आईसी को किस कंडीशन में उठाना है और किस कंडीशन में वो कंपोनेंट को एक एक करके हमें ट्रेसिंग करना है उसका पूरा डीपली नॉलेज मिली। फिर हम लोगों को शाम की क्लास में प्रैक्टिकल की क्लास थी, उसमें हम लोगों ने ग्रुप 2G 4G और RF IC को निकाल के पूरा पैड लाइन को ट्रेसिंग करके फिर उसका GR पूरा A to Z चेक किया। बहुत अच्छा। एंडलेस आया कि नहीं आप? पूरा एंडलेस। एंडलेस इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं, ऐसे टेलीकॉम तरह से नेटवर्क के सारे सेक्शन बता दिए जिसमें हमें 2G 3G 4G के सारी फ्रीक्वेंसी अलग अलग जो भी होती हैं वो बताई, और उसमें आपका सर्किट फिल्टर फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट जो कैसे काम करता है वो भी बताया सर ने, जिस चीज़ के बारे में बहुत कम इंस्टीट्यूट में बताया जाता है या यूट्यूब में, तो हमने सर्च भी किया था तो उस चीज़ के बारे में कहीं बताया नहीं जाता। कई बार हम लोगों ने ऐसा चेक किया है कि नेटवर्क सेक्शन में ग्राउंड से बीप आता है, लेकिन यहाँ नेटवर्क सेक्शन में अगर बीप आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन शॉर्ट है या आपकी लाइन सही है, उसको एक ट्रैक चेक करना है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो बोर्नियों में भी बहुत सारी चीज़ की गलती भी उसमें पकड़ी गई। हमने जब डायग्राम जब चेक किया तो इस तरह से बहुत सारा डीपली नॉलेज दिया, एंडलेस नॉलेज दिया देव सर ने हमको, और इसलिए मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ सर को, और हमारा पैसा वसूल हो गया। ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये एंडलेस है। एंडलेस है। आज की बात करूँ, अभी रात की बात करूँ, रात का 9:15 रात को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 9:15 रात को। अब बताओ मेरे को, नेटवर्क सेक्शन टफ है कि ईजी है? टफ है सर। टफ क्या हो गया? जो टफ चीज़ थी वो क्या हो गई? इजी हो गया। इजी हो गया। आपके हाथ में फ्रिक्वेंसी भी है, आपके हाथ में GR भी है, आपके हाथ में वोल्टेजेस भी है सारे। चलिए ठीक है, और आपको कब कौन सी IC पे काम करना है ये मालूम है आपको? इसके बारे में बताया गया था, IC के बारे में बताया गया था, कौन कौन सा IC यूज होता और पूरा स्टार्टअप से लेकर के नीचे पॉइंट से लेकर एंटीना से लेकर के IC तक पूरा डिटेल में बताया गया था सारा चीज़। सर अब तो बिल्कुल वो हो गया, इजी हो गया जी। 2G नेटवर्क IC निकाला, इसके बाद 4G नेटवर्क IC निकाला। हाँ जी। और इसके बाद WTR IC निकाला। हाँ। उसको वापस लगाया भी। हाँ। वापस वही GR। हाँ। GR भी उठाया भी आपने। हाँ। कैसा लग रहा है? सब प्रो लेवल का काम है। इसके ऊपर कुछ है क्या सर? इसके ऊपर उमेश, इसके ऊपर कुछ है क्या बताओ सर? इसके ऊपर अच्छा नेटवर्क सेक्शन को क्लास थे नेटवर्क सेक्शन को क्लास में आज सर नेटवर्क सेक्सनको सानो सानो कुरादेखि लगेर भित्री नलेज आइसीसम्मको सबै सम्पूर्ण नलेजहरू पनि लगायो। त्यसमा आइसीको प्याडहरू भयो, कहाँबाट कहाँ जान्छ, फ्रिक्वेन्सी कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, त्यसपछि भोल्टेज कति कति हुन्छ, कुन हाम्रो कुन कम्पोनेन्टमा कति भोल्टेज आउँछ, त्यसले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी पास गर्छ, त्यसले फ्रिक्वेन्सी ग्राउन्ड गर्छ, त्यसले चाहिँ अगाडि बढाउँछ भनेर सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी दिनुभएको थियो। त्यो सँगसँगै
हाम्रो प्र्याक्टिकल क्लासमा पनि त्यो देव सरले पढाएको जुन पढाउनु भएको थियो पिएफओ आइसीको बारेमा नेटवर्क आइसी नेटवर्कमा युज हुने आइसीहरू डब्लुटिआर आइसी पिएफओ आइसी 2G 4G सब त्यो सम्पूर्ण कुरा नलेज दिनुभएको थियो। त्यसलाई प्र्याक्टिकल कलेज क्लासमा पनि हामीले प्र्याक्टिकलमा आएर त्यही आइसीलाई उठाएर त्यसको प्याडहरू चेक गरेर जिआर कहाँसम्म गइरहेको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हेर्यो। बहुत मतलब बहुत हार्ड चैप्टर हार्ड चैप्टर को इजी हो गया इजी हो गया सर। तो आपने अब जब प्रैक्टिकल क्लास में आए तो सारी आईसीओ पे काम किया कि नहीं किया? यस सर, निकाला उसको लगाए सर। बहुतों से सुनता था कि नेटवर्क ऐसा है वैसा है ये है वो है, लेकिन सर ने जैसे समझाया एक एक पॉइंट, मुझे नहीं लगता उससे बेहतर और कोई समझा सकता है। आपने अभी प्रैक्टिकल हाँ अभी प्रैक्टिकल किया, अभी मैंने नेटवर्क आईसी उठाया लगाया आ रहा है कोई सी आईसी छोड़ी क्या? कोई नहीं सर, सारे जितने भी नेटवर्क के आईसी हो कंपोनेंट्स हो सब लगाए। सब डेटा शीट पे काम किया आपने? जी सर, एक एक बताया ना सर ने, एक एक चीज़ बताया हमें कि कैसे डेटा शीट बनाना है, क्या बनाना है और कैसे बनाना है कि कभी आप भूले नहीं, वो भी बताया।